सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है। आदरणीय मुख्य अध्यापक जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुप्रभात। मैं पिज़्ज़ा जेलम हाउस की तरफ से आज आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बीमा की व्यापक योजना भारत की स्वस्थ आयुष्मान योजना। आयुष्मान भारत योजना गरीब भारतीय परिवारों की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकता को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दो सक्रिय योजना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। यह दो मुख्य घटकों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY के माध्यम से कार्य करता है। आयुष्मान भारत योजना देश की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दोहरे दृष्टिकोण वाली योजना है। इसका पहला घटक जनसंख्या की बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वस्थ और कल्याण केंद्र HWC का गठन करना है। देश भर के उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC को अपग्रेड करके तकरीबन 1,50,000 HWC बनाए गए थे। HWC किसी भी वित्तीय मानदंड के बावजूद कुल आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को संबोधित करती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY का एक अन्य घटक ये है कि यह योग्य व्यक्तियों को 5,00,000 रुपये का वृक्ष कवर प्रदान करता है। हालांकि इसके लिए बुनियादी प्रथा मानदंड व्यक्ति की खराब वित्तीय स्थिति है। इस योजना के तहत व्यक्ति के स्वास्थ्य को कवर का लाभ पाने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में ही भर्ती होना शामिल है। आयुष्मान भारत योजना किसी भी जाति या धर्म आधारित मतभेद के बावजूद भारत के गरीबों की मदद करता है। यह 10 करोड़ परिवारों को कर्ज और वित्तीय संकट के बोझ से बचाएगा। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय। थैंक यू फिज़्ज़ा, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू टुडे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट तानिया फ्रॉम जेलम हाउस ऑन द स्टेज टू डिलीवर अ स्पीच। हेल्थ इज लाइक मनी, वी नेवर हैड true idea of its value until we lose it. Respected MD sir, teachers and all my dear friends, good morning to all of you. Good morning. I am Tanya from class 9th on the behalf of JLM House. Today, I am going to deliver a speech on the topic Ayushman Bharat Yojana. I hope you will listen carefully. The Ayushman Bharat Yojana was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 23rd of September 2018 at Ranchi in Jharkhand state, with motive to provide affordable sections of the country. The families that are eligible and registered under the PMJAY scheme receive a health insurance cover of ₹5 lakh every year, which covers pre-hospitalization expenses for 15 days. Moreover, it also covers around 1400 producers and all other related costs like OT expenses. The PMJAY scheme or Ayushman Bharat Yojana ensures the eligible citizens are provided with top-notch medical facilities at thousands of empaneled private and government hospitals via their Ayushman card or e-card. Approximately 23,300 hospitals have been empaneled under the scheme as of September 2020. It is the world largest scheme for health. Stay safe, stay healthy. Thanks and have a wonderful day. Never give up because great things take time. Now I would like to invite Avli from Jhelum House on the stage to deliver a speech. Swasthya pahal se bandhi ek door. Swasthya pahal se bandhi ek door. Amulya bha. स्वास्थ्य पहल से बंधी एक डोर, स्वास्थ्य पहल से बंधी एक डोर, अमूल्य भारत से आयुष्मान भारत की ओर। आदरणीय गुरुजनों और मेरे सभी प्रिय सहपाठियों, सुप्रभात।
मैं अवनी छठी कक्षा की छात्रा आज आपके सामने झेलम हाउस की तरफ से आयुष्मान भारत दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे व्यापक योजना है, जिसे मोदी केयर भी कहा गया है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अमेरिका के ओबामा केयर के तर्ज पर इसे शुरू किया गया था। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला, देश में 1,00,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं दूसरा 10 करोड़ परिवारों को ₹5,00,000 प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। आयुष्मान योजना के अनुसार समाज के कमजोर वर्ग के लगभग 10 करोड़ परिवारों को सालाना ₹5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू अवनी, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट साक्षी फ्रॉम रावी हाउस ऑन द स्टेज टू डिलीवर अ स्पीच। सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है। कि सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वह सुखी जरूर है। आदरणीय मुख्याध्यापक जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। सुप्रभात। क्या आप जोर से बोल सकते हैं सुप्रभात? सुप्रभात। मैं साक्षी रावी हाउस की तरफ से आज आपके सामने आयुष्मान भारत दिवस पर अपने विचार पेश करना चाहूंगी। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे व्यापक योजना है, जिसे मोदी केयर भी कहा गया है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा अमेरिका के ओबामा केयर की तर्ज पर शुरू की गई। ये योजना केंद्रीय वित्त बजट 2018 में शुरू की गई थी, जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला, देश में 1,00,000 एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं दूसरा 10 करोड़ परिवारों को ₹5,00,000 प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना, जो कि भारतीय आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना में समाज के कमजोर वर्ग के लगभग 10 करोड़ परिवारों को सालाना ₹5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जा रहा है। साल 2008 में यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के अस्पताल में ABY के लाभार्थियों का निशुल्क इलाज हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना में तकरीबन हर बीमारी के लिए चिकित्सा और अस्पताल में दाखिल होने का खर्च कवर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना में कुल 1,03,54 पैकेज शामिल है। इसमें कोरोनरी बाईपास, घुटना बदलना और स्टंट डालने जैसे खर्चीले इलाज भी शामिल है। अंत में मैं आप सबके सामने एक कविता पेश करना चाहूंगी। संकट है स्वास्थ्य पर छाया, हमारे डॉक्टर्स ने ही तो अब तक हमें बचाया। कि संकट है स्वास्थ्य पर छाया, हमारे डॉक्टर्स ने ही तो अब तक हमें बचाया। आशा कभी न छूटेगी, विश्वास है हमें कि इस बार भी संकट से हमें डॉक्टर बचाएंगे। आंखों में आंसू से ही पर होठों पर मुस्कुराहट रखेंगे। चाहे हालात कैसे भी हो, हिम्मत कहीं नहीं हारेंगे। लोग स्वस्थ हो जाएंगे, दुनिया पर जो संकट है छाया वह दूर अवश्य हो जाएगा। आपने मेरी बातों को इतना समय दिया और ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साक्षी, डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सुधीर फ्रॉम रावी हाउस ऑन द स्टेज टू डिलीवर अ स्पीच। Andy sir, teachers and all my dear friends, a very wonderful morning to all of you. Very good morning. Today I will be on the behalf of Ravi House going to deliver a speech at Ayushman Bharat. Ayushman Bharat Yojana was launched on 23rd September 2018 by the Prime Minister Narendra Modi at Ranchi, the capital of Jharkhand state. The scheme is also called Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. For the National Health Protection Scheme, it is also the biggest government
counting health care scheme in the world. In his 2018 Independence Day speech, the Prime Minister announced Ayushman Bharat National Health Protection Scheme. Under the National Health Scheme was launched as a pilot project. Since its launch in the September 2018, there have been nearly 5 million hospitals in 15,968 independent expand the hospital throughout the country for better health, better future. Ayushman Bharat, the flagship scheme of the Government of India, was announced as a requirement by the National Health Policy 2017 to achieve the vision of universal health coverage. In the last, I want to say, eat well, sleep well to get health and remain safe to getting ill. Thanks and have a wonderful day. Thank you, Purvi. Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Now, I would like to invite Sonika from Ravi House on the stage to give her a speech. Happiness is the new rich. Inner peace is the new success. Health is the new wealth. Kindness is the new pool. Respected MD sir, teachers, and all my dear friends, a very wonderful morning to all of you. Today, I, Sonika, in the behalf of Ravi House, is going to deliver a speech on Ayushman Bharat Divas. Ayushman Bharat Divas is a day to celebrate the success of scheme and onset to goal of universal health care. Ayushman Bharat Yojana, also commonly called Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, in short PMJAY, is a healthcare scheme by the Government of India to provide free healthcare at secondary and territory level to its poor and marginalized sections. The Ayushman Bharat Yojana was launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 23rd of September 2018 at Ranchi in Jharkhand state. The event had a large public gathering, and the Prime Minister also laid the foundation stone for two medical colleges, one at Chaibasa and another at Corridor in Jharkhand state. Speaking to the public on the occasion, Prime Minister told about the essential facts of scheme and that it will directly benefit about 50 crore per poor people, Indians. The central of government from time to time publishes the national health policy to dedicate and guide the future implementation of health programs. Ayushman Bharat Yojana was incorporated in 2017 national health policy. In the past, there had been a number of efforts by the central as well as the state government to implement government-funded health insurance schemes. Under the national health protection schemes, some of the schemes were Senior Citizen Health Insurance Scheme, Central Government Health Scheme, etc. However, these schemes worked independently and none of them were linked to primary health care, which tends to poor, with the objective of removing shortcomings of pre-existing health insurance schemes, the Government of India launched the Ayushman Bharat. Thank you and have a nice day. Thank you, Sonika. This is all from Ravi House. A little progress each day adds up to big results. Now, I would like to invite Disha from Chinab House on the stage to deliver a speech. Life is not a problem to solve. Life is not a problem to solve, but a reality to be experienced. Respected MD sir, teachers, and all my dear friends, a very wonderful morning to all of you. Today, Disha from Class 9, behalf of Chinab House, is going to deliver a speech on Ayushman Bharat Divas. I hope that you all listen my speech carefully. Ayushman Bharat Yojana was launched in 2018 by the Prime Minister Shri Narendra Modi. It aims to providing health insurance coverage to nearly 50 crore poor Indians from rural and urban establishments. Since it launched in September 2018, there have been nearly 5 million hospitalizations in 15,968 impaneled hospitals throughout the country. The scheme is widely accepted by 26 states and the Union Territories, except
दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेलंगाना। जीवन में किसी को भी कसूरवार ना बनाएं, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। द बेनिफिशियरी फैमिलीज विल गेट एन इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर ईयर। द मेंबर्स आर इंटेल टू गेट सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल ट्रीटमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल और इन एनी ऑफ द इंपैनल प्राइवेट हॉस्पिटल। द पेशेंट एडमिटेड अंडर द स्कीम नीड टू पे बिल्स फॉर हिज हर ट्रीटमेंट और मेडिसिन। ऑल्सो द होल प्रोसीडर हैज बीन मेड पेपरलेस एंड कैशलेस टू इम्प्रूव ईज एंड ट्रांसपेरेंसी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत कैन ओनली फंक्शन बेस्ट व्हेन द सिटीजन अंडरस्टैंड देयर सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड बी ऑनेस्ट टू द गवर्नमेंट। डू नॉट लेट एनीवन डिस्करेज यू इफ दे ट्राई गेट डिटरमाइंड नॉट डिप्रेस। थैंक्स एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। Thank you, Tisha. Do the best you can. Now, I would like to invite Vishal from Chinab House on the stage to deliver a speech. Fear kills more dreams than peril ever will. Respected Anvisa, teachers, and all my dear friends, a very beautiful morning to all of you. I, Vishal, of Class 8, on the behalf of Chinab House, standing before you to deliver a speech on Ashman Bharat Divas. I hope that you listen my speech carefully. Ashman Bharat Divas is celebrated on 30th April of the across India, and it was first celebrated on 30 April 2018. On this day, health camps were organized in rural areas and people were given information about Ashman Bharat Yojana. The Ashman Bharat Yojana is an initiative of the Indian government to provide medical facilities to the poor and needy family. In India, it was also known as Ashman Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 23 September 2018 in Ranchi and Jharkhand. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is the world's largest and fully state-sponsored health assurance scheme. The scheme aims to enhance the condition of 50 crore poor Indians. Under this scheme, a cover of 5 lakh is provided per family per year for medical treatment in public and private hospitals. It covers 3 days of hospitalization and 15 days of post-hospitalization, including diagnostic care and expenses on medicine. Thanks and have a wonderful day. Thank you, Vishal. Never let success get to your head. Never let failure get to your heart. Now, I would like to invite Seema from Chinab House on the stage to deliver a speech. मैं सीमा कक्षा छठी की छात्र। आज मैं चिनाब हाउस की तरफ से आयुष्मान भारत दिवस के बारे में कुछ शब्द बताने जा रही हूँ। आशा है कि आप ध्यान से सुने। आयुष्मान योजना भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में शुरू किया गया। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराजा अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिराम राज्यों में स्वास्थ्य अभियान चलाए जाते हैं। दुनिया के दूसरे देश भी भारत की इस स्वास्थ्य योजना का लोहा मनाते हैं। इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा किया गया है। धन्यवाद। Thank you, Seema. This is Paul from Chinab House. For the calculation and announcement of result, I would like to invite Prashant sir on the stage to honor the students for their best performance during duty. थोड़ी-थोड़ी movements करते रहो. So that आपको चक्कर ना आए. Sit down. Stand up. Okay, good morning. Good morning. Up
कंफर्टेबल किस में, खड़े होने में है कि बैठने में है? बैठने में है, ठीक है, सिट डाउन। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको लगता है कि आपको आने वाले टाइम में ये स्कीम की नीड पड़ेगी? किस किस को लगता है? क्या भाई, स्कीम की किसको किसको नीड पड़ेगी जो आज बच्चों ने विस्तार से बताई है? हाँ, अगर पड़ेगी तब अगर आप लोग अपनी डाइट को, अपने हेल्थ हैबिट को अच्छा नहीं रखोगे तो जल्दी पड़ जाएगी। अदरवाइज आपको ये नीड पड़ेगी जब आप 80s में या 70s में होंगे, है ना। तो आज बच्चों ने विस्तार से बताया कि आयुष्मान भारत जो है वो स्कीम है क्या। आप सबको पता है, आप सबके कार्ड बने होंगे, आपकी फैमिलीज में सबके कार्ड बने होंगे, जिसके अंतर्गत आप लोग 5 लाख तक बीमा ले सकते हैं। अगर आप लोग, आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार पड़ जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एडमिट करने के बाद 5 लाख तक का बीमा जो है वो गवर्नमेंट देती है। पर मैं आपको ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट जितनी भी हेल्थ स्कीम्स लाए, सबसे पहले अपने आप को ऐसा रेडी करना है कि हमें उस स्कीम्स का बेनिफिट ना मिले। वो तब जब आप लोग अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे। एक कोटेशन है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आप जैसा फूड इंटेक करेंगे ना, वैसे ही आपकी डेली एक्टिविटीज़ होंगी, वैसे ही आपकी सेहत होगी, वैसे ही आपका नेचर बनेगा, वैसे ही आपकी सोच बनेगी। इसलिए सबसे पहले आजकल के टाइम में हमें अपनी हेल्थ हैबिट के ऊपर, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके ऊपर खास ध्यान रखना है। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बोल चुका हूँ कि जो चीज़ हम लोगों को टेस्टी लगती है ना खाने में, वो हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। आप सोच लीजिए कि जब आपको किसी चीज़ को खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लाइक व्हेन यू ईट पिज़्ज़ा, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बट डू यू नो कि पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म प्रोवाइड करता है। तो आज के बाद जब भी आप लोगों को कुछ खाने का मन करे और खाने के एक दो बाइट के बाद आपको लगे कि हाँ यार, इसको खाने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो दैट विल बी ए साइन ऑफ कि आपकी हेल्थ के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग स्टिल कंज्यूम कर देते हैं। बट अगर आप अपनी हैबिट को सुधारेंगे नहीं, तो आपको ऐसी स्कीम्स को जल्दी यूज करना पड़ेगा, ओके, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। बच्चों ने आपको विस्तार से बताया कि हेल्थ स्कीम है क्या, इसका कैसे बेनिफिट्स लेना है, और जो भी डिटेल्स हैं, कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, क्या हुआ, ये सारा आपको बच्चों ने बताया। मैं एक बच्चे का कोटेशन उसमें मैंने सुना, दीक्षा ने कोटेशन बोला कि अच्छे लोग आपको खुशियां देते हैं और बुरे लोग एक्सपीरियंस। वो सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है कि अच्छा टाइम आपको हमेशा खुशियां देता है और बुरा टाइम आपको कुछ सिखा के जाता है ना। जब आपके सामने बुरा टाइम आता है, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ लेसन दे के जाता है ना। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस परेशानी को बड़ा लेके बैठ जाएं या उसे कुछ चीज़ें सीखें। तो आज के लिए यही था आपका सारा कुछ। तो मैं जो भी जजेस टीचर्स थे वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं, ताकि हम लोग इवेल्युएट कर लें कि कौन बच्चा